गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको चैप्टर नंबर वन में लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। लघुत्तम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीजें देखिए। जैसे अपवर्त क्या होता है, तो आठ के अपवर्त, आठ, सोलह, चौबीस, बत्तीस, चालीस, अड़तालीस, छप्पन, चौसठ, इस प्रकार से आपको, और बारह के अपवर्त, बारह, चौबीस, छत्तीस, साठ, बहत्तर, ऐसे। अब देखिए आठ और बारह की समान अपवर्त कौन है, आठ और बारह की समान अपवर्त देखिए चौबीस, इसके बाद अड़तालीस, इसके बाद बाप, तो ये हो गए आपके चौबीस, अड़तालीस, बाप। तो आज और बारह की होगी समापवर्त समान अपवर्त। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, चौबीस, ये आठ के अपवर्त लिखे हुए, ये आठ के अपवर्त, ये बारह के अपवर्त, ये आठ और बारह के समापवर्त है, अर्थात वो अपवर्त जो आठ में भी है, बारह में भी है, दोनों में है। तो ये समान अपवर्त की चौबीस और ये चौबीस, अड़तालीस, अड़तालीस, बहत्तर और बहत्तर। तो समान अपवर्तों में से अगर सबसे छोटा अपवर्त आप छांट लें चौबीस, तो यही लघुत्तम होता है। आठ और बारह का लघुत्तम समान चौबीस। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, आठ का दीजिए, सात को, तो सात में एक सात स्वयं हो जाएगा, चौदह, इक्कीस, अट्ठाईस, पैंतीस, ऐसे अपवर्त। अब चौदह के अपवर्त, चौदह का एक सौ चौदह हो जाए, अट्ठाईस, बयालीस, इस प्रकार से चौदह। अब सात और चौदह के अपवर्त समापवर्त देखिए, तो देखिए कोई मिल रहा है, स्वयं चौदह, फिर अट्ठाईस, फिर बयालीस, छप्पन, तो इसमें सबसे छोटा अपवर्त कौन है, चौदह। इस प्रकार सात और चौदह का लघुत्तम हो गया। आपने ये देखा
कि दी गई संख्याओं के पहले हम अपवर्त लिख लें, फिर उसमें समापवर्त छांट लें। समापवर्तों में सबसे छोटा अपवर्त लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं में से सबसे छोटा समापवर्त ही लघुत्तम कहलाता है। अब लघुत्तम ज्ञात करने की दो विधियां हैं हमारे पास, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 16 और 24 का प्लस, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 2, ये नहीं करते अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2, तो लासा। तो जो गुणनखंड आपके शामिल है, सारनिष्ठ है, वो आप लिख दीजिए। इसके बाद ये नहीं शामिल है, इन्हें भी लिखिए, और ये नहीं शामिल है, ये हो गया 2 × 4 × 8 × 16 × 16 × 16 × 32 × 32। तो यह आपका लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हुआ, अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त हो चुका। इसी क्रम में और भी सवाल ले सकते हैं आप, जैसे 36 40 84 36 40 84। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करना है 36, तो 2 × 2 × 2 = 4 × 12 × 36 = 40, तो 2 × 2 × 2 = 4 × 8 = 45। इसके बाद 84, तो जाएगा 2 × 2 × 2 = 4 × 12 = 24। इस प्रकार से 36 के बाद गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 = 40 के बाद गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 5 और 84 के बाद गुणनखंड हुए 2 × 2 × 3 × 7। तो अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो आप देखिए सबसे ज्यादा वनिष्ठ गुणन 2 के, ये लिखिए। अब इसके बाद में दूसरे अभाज्य गुणनखंड हमारा 3, इनकी सर्वाधिक बार आवृत्ति 2 बार हुई है। इसके बाद में 5, इसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति 1 ही बार हुई है, और ऐसे ऐसे। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें जिनकी सबसे ज्यादा बार आवृत्ति होती है उनको लिखिए। जैसे 2 यहां 3 बार हुआ, यहां 2 बार, किंतु सबसे ज्यादा यहां 3 बार, 3 बार में क्या होता है? 3 यहां देखिए 3 × 3 = 2 बार आया है, यहां पर 1 बार भी नहीं, यहां पर 1 बार आया, तो सबसे ज्यादा बार जहां पर आवृत्ति हुई है वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए 5 यहां आया है, 1 बार इसकी आवृत्ति है और यहां नहीं, तो सबसे ज्यादा 1 ही बार है, ऐसे 7। अब इस पूरे का गुणनखंड करें, 2 × 4 × 8 = 24 × 7 = 35, गुणा कर लीजिए 5 × 10 = 535 × 36, 3 × 6 = 321 0 6 × 12 = 3 × 4 = 5, इस प्रकार से 2520 ये लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हुआ।
तो ये थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद में हमको पढ़ना है भाग विधि। इसी सवाल को हम भाग विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए। नंबर दो, भाग विधि से लासा ज्ञात करना। तो भाग विधि से हम लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो हम 36, 40 और 44 इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर हम सबसे छोटी संख्या एक को छोड़ करके दो से बार देना शुरू करते हैं। तो हमारा जो दो से पारा शुरू होता है, तो दो देखिए दो से बार देना शुरू करते हैं। दो एकम दो, दो अट्ठी 16, दो एकम दो, दो 16, दो चौकू 8, दो दूनी 4, और इसके बाद यदि दो से बाहर जा रहा है तो दो ही से देंगे, दूनी भाई 18, 10, 21, अभी भी दो से जा रहा है 9, 5, जो संख्या दो से नहीं कट रहे उनको पूरा पूरा वैसे ही उतार देते, 21 दो से नहीं कट रहा है पूरा उतार देते। अब देखिए हमारी दो से अब कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम तीन से भाग देंगे। सबसे पहले दो से भाग देते हैं, जब तक दो से कटता है तब तक दो से भाग देते हैं, इसके बाद तीन से भाग देते हैं, यदि तीन से नहीं कटता है तो उसके आगे वाली संख्या पर विचार करते हैं। यहां पर तीन से कट रहा है, 3 × 9 नहीं कटेगा, उतार लीजिए 3 × 3। अब इसके बाद में 3 से भी एक बार और जाएगा, 3 × 3 ये नहीं जा रहा है, अब देखिए 5 से कटेगा, फिर अब 7 से इन संख्याओं में भाग जाता हूं, उनको वैसे उतार लेते, अब लास्ट में सब जगह 1 1 आ गया, तो हम तब तक भाग देते हैं जब तक आखिरी में हमें 1 1 ना प्राप्त हो जाए। अब तीनों जगह हमको 1 1 प्राप्त हो गया है, भाग देना बंद। अब इसके बाद में गुणनखंड करेंगे, लघुत्तम समापन, ये हमारे आवाज मंत्र प्राप्त हो गए हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, तो 2 × 2 = 8, फिर 24 × 3 = 7 × 5 = 25, तो 2520 अभी प्राप्त हुआ था, वही प्राप्त। इस प्रकार से हम भाग विधि एवं आवाज गुणनखंड विधि की सहायता से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास पुस्तिका से दूसरे सवाल लगाना है, जिससे अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। अब हम आपको कुछ सवाल दूसरे बता रहे हैं, जैसे लिखा है 9 की अपर वर्ग लिखिए, नौ के अपर वर्ग 9, 18, 27, 36, 45, 54, 9 और 15 की अपवर्त 15, 20, 45, 60, 75, 90। तो ये सवाल है, 9 की अपने अपवर्त लिख लिया, 15 के अपवर्त लिख लिया, ठीक।
अब अगर हमसे कहा जाए नौ पंद्रह के लघुत्तर याद कीजिए, नौ और पंद्रह के समापवर्ती कितने हो गए देखिए 45 और 45 के बाद तो 66 63 79 81 9 ऐसे। अब इसके बाद में सीधे 90 तो ये समापवर्त है। अब सबसे छोटा समापवर्त है हमारा 45, 9 और 15 का लघुत्तम समापवर्त। तो 9 और 15 का लघुत्तम समापवर्त 45 होगा। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके थे कि ये सवाल हमारा 9 और 15 का लघुत्तम ज्ञात करना है, तो जो मूल सिद्धांत है कि हमने 9 के अपवर्त लिख लिए, फिर 15 के अपवर्त लिख लिए, 9 और 15 के समापवर्त लिख लिए, अब इसके बाद 9 और 15 का लघुत्तम लिया, तो जो सबसे छोटा समापवर्त होता है वह लघुत्तम होता है। इस प्रकार से भी सवाल पूरा हुआ। और इसी श्रृंखला में आप आगे सवाल लगा सकते हैं। जैसे 22 41 408 22 121 41 इसका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है, तो इसको भाग विधि से लघुत्तम ज्ञात कर लीजिए। जब संख्याएं बड़ी होती है तो भाग विधि से लघुत्तम ज्ञात करना हमारे लिए आसान है। तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये 2 से नहीं कटेगा, पूरा उतार लीजिए। 2 2 4 भाग 28 28। आप देखिए कोई भी संख्या 2 से कटने के लिए तैयार नहीं, तो 3 से भाग लेके देख लेते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 3 से 12 भी नहीं कटेगा, और ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 18 फिर 29 3 से नहीं कटता है। अब इसके बाद में देखिए 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 तो 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 2 14 6 7 7 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटना है, 9 10 11 12 इस प्रकार से। ये अभी हम देख रहे हैं कि 11 12 से भी नहीं कट रहा है, तो 11 से 11 11 11 11 121 और 11 1 11 यहां बच जाए 9 11 9 11 तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 1 11 11 1 11 11 1 11 यहां बचेगा 9 11 9। अब इसके बाद में देखिए 11 से भाग दे दीजिए 1 1 ये नहीं तो नहीं 1 1 ये नहीं, तो लघुत्तम क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 11 11 19 इस प्रकार से 11 11 121 तो हो जाएगा 2 2 4 2 19। अभी गुणा कर दीजिए 19 2 38 हासिल लगे 3 19 4 76 77 78 79 हासिल लगे 7 19 2 38 38 7 45 इस प्रकार से ये हमको आंसर प्राप्त हुआ।
तो इसी तरीके से आप अभ्यास पुस्तिका से अन्य प्रश्न लगाएं और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।